Hello learners welcome back to my channel aim for bhu today in this video i will discuss you mcqs based on commerce सो स्टूडेंट्स इस सीरीज में हम डेली ट्वेंटी कॉमर्स बेस्ड एम सी क्यूज को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स इस सीरीज को मैंने इस तरह से फ्रेम किया है कि आपके सिलेबस के सारे ही टॉपिक्स से क्वेश्चन कवर हो सके यू ऑल कैन यूज दिस सीरीज फॉर रिविजन परपज एंड स्टूडेंट्स एज दिस इज एम सी क्यू बेस वीडियो अगेन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग दट हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करेगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवोल्यूशन भी हो जाएगा आपके So all the very best dear students and again if you have any queries just drop them in the comment box. I will surely address your concern and just to remind through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. सो so, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी तक हमने इस सीरीज़ के पार्ट थर्ड में कंप्लीट कर लिया था आज पार्ट फोर हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी से क्वेश्चन नंबर एट्टी तक कम्प्लीट करेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में यहाँ पे मैंशन है दैट इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन्स रिलेटिंग टू द पोस्टल बैलेट द ऑफिसर ऑन डिफॉल्ट विल बी पनिशेबल विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइन्स सो स्टूडेंट्स मैं जानती हूँ अभी आपके लिए जब मैंने ये क्वेश्चन रीड आउट किया तो

थर्टीन के सेक्शन 10 में मेंशन है स्टूडेंट्स दैट कि कोई भी कंपनी हो जैसी भी प्राइवेट हो या पब्लिक हो अगर उसके 200 मेंबर्स हैं या मोर देन 200 मेंबर्स हैं देन उनके लिए एक चीज कंपलसरी है दैट दे मस्ट प्रोवाइड अ प्रोविजन फॉर पोस्टल बैलेट्स ठीक है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कितना फाइन उनके लिए जो है वो पनिशेबल होगा कितने फाइन से उन्हें पनिश किया जा सकता है यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास स्टूडेंट्स इसी में आपको जो है रिलेटिंग टू दी प्रोविजंस आपको ये बताना है कि कितना फाइन अपलीकेबल हो सकता है उस कंपनी के ऊपर ऑप्शन है आपके पास रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच डिफॉल्ट बी सीज फिफ्टी थाउजेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच डिफॉल्ट सी रुपीज़ वन लैख इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच डिफॉल्ट या डी रुपीज़ टू लैख इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच डिफॉल्ट तो स्टूडेंट्स जो भी ऑफिसर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ही विल बी पनिश विद फिफ्टी थाउजेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच डिफॉल्ट जितनी भी इस तरह की डिफॉल्ट होंगी उन सभी डिफॉल्ट के लिए फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड जो है अगर एक डिफॉल्ट से ज्यादा होंगे तो भी फिफ्टी थाउजेंड प्लस हो जाएगा ठीक है वहां पे तो फिफ्टी थाउजेंड फॉर ईच सच डिफॉल्ट विल बी पनिशेबल सो स्टूडेंट्स आई होप ये अब क्लियर होगा आपको क्योंकि पढ़ने के साथ ही क्वेश्चन में ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ से आया है बट मैं आपको बता दूँ कि पोस्टल बैलेट हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है प्रोवाइड करना अपने मेम्बर्स को चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो अगर उसके मेंबर्स की जो नंबर है वो टू हंड्रेड प्लस है या मोर देन टू हंड्रेड है या सिर्फ टू हंड्रेड हो तो भी उनके लिए मैंडेटरी है स्टूडेंट्स कि वो पोस्टल बैलेट के लिए प्रोविजन जरूर से जो है प्रोवाइड करें नहीं करने पर यह पनिशेबल ऑफेंस है एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू इसमें पूछ रहा है कि अ लिस्टेड कंपनी ऑप्टिंग फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 फिफ्टी सिक्स हैज़ टू सबमिट रिटर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच बायक विद इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स सो स्टूडेंट्स ये बाय बैक ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है कोई भी जो लिस्टेड कंपनी हो उसके लिए अगर वो बाय बैक को ऑप्ट कर रही है अपने ही शेयर्स को जो है फिर से खरीदने के लिए ठीक है ऐसा कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में ऐसा क्या जो है मैंशन है दैट द कंपनी हैज़ टू सबमिट रिटर्न आफ्टर ऑफ सच बाय बैक विद इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ठीक है हमें यही पूछ रहा है कि अगर कंपनी अपने ही शेयर्स को जो है खरीदना चाहती है बाय बैक ऑफ शेयर्स करना चाहती है तो ये अगर सबमिट करना चाहते हैं रिटर्न तो ये कितने पीरियड के विद इन जो है उन्हें ये रिटर्न जो है सबमिट करना है ठीक है तो ए सेज़ सिक्स मंथ्स ऑफ सच कम्प्लीशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ओनली बी सेज फोर्टी फाइव डेज ऑफ सच टू ओनली ठीक है सी सेज थर्टी डेज ऑफ सच कंप्लीशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड से बी डी सेज थर्टी डेज ऑफ सच कंप्लीशन टू द सेबी ऑनली सो स्ट्रेंड जब ये बाई बैक ऑफ शेयर्स का केस आता है तो इसमें रजिस्ट्रार एंड सेबी ये दोनों का ही रोल है ठीक है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड से बी ये दोनों के ही ऑफिस में थर्टी डेज के विद इन जो है कंप्लीशन टू सच पीरियड यहाँ पे इन्हें रिटर्न जो है सबमिट करना ही है ठीक है तो कंपनी के लिए जो मैंडेटरी एक जो है, जो है आ,

आंसर होगा यही ऑप्शन ये करेक्ट है ठीक है तो ए इज करेक्ट इसे मार्क कर लीजिएगा क्रेडिबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी को ही देखकर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं दे मेनली रिलाय अपॉन दिस फैक्टर नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वट इज द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सो स्टूडेंट्स आपसे ये डी आई एन जो होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या होता है आपको बेसिकली डेफिनेशन कोट है ऑप्शन uh, में आपको करेक्ट डेफिनेशन को मार्क करना है यहाँ पे ए ऑप्शन विच दी इंडिविजुअल बी सी नंबर विच दी सेंट्रल गवर्नमेंट अलाट्स टू एनी इंडिविजुअल इन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर और टू एनी

डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड वॉट सो स्टूडेंट्स कभी भी पब्लिक सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं ठीक है इन अदर वर्ड्स वी सिंपली कॉल इट प्राइवेटाइजेशन तो यहां पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है इसे मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि डेटर्स रेशियोज फोर देन वॉट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड बड़ा इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे दैट इज़ टर्न ओवर रेशियो फोर है तो आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा इट विल बी ऑफ थ्री मंथ्स ठीक है ऑब्वियसली तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है इसे मार्क कर लीजिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 67 इसमें पूछ रहा है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन फॉर द पास्ट फाइव ईयर्स इज रुपीज एटी थाउजेंड रुपीज़ एटी फाइव थाउजेंड रुपीज नाइनटी टू थाउजेंड रुपीज हंड्रेड वन लाख फाइव थाउजेंड एंड रुपीज़ वन लाख एटीन थाउजेंड ठीक है कैपिटल इंप्लॉयड इन द बिजनेस इज एट लैक्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज टेन परसेंट आपको गुडविल वैल्यू वैल्यूएट करके बताना है गुडविल की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड ठीक है स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट मैथड में जो कैपिटलाइजेशन मैथड uh, है इस के थ्रू आपको इस वैल्यूएशन करनी है इस गुडविल के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको फाइव इयर्स का प्रॉफिट प्रोवाइडेड है अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे बताइएगा ये मेरे साइड से आपके लिए होमवर्क है क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी फिलहाल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई टेक्नोलॉजिकली आई एम नॉट इक्विप्ड वेल सो इसलिए मैं अभी नहीं आपके लिए सॉल्व कर पा रही हूँ किसी भी क्वेश्चन को बट अगर आपको नहीं आपसे सॉल्व होता है आंसर नहीं आता है आपसे आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वन लाख सिक्सटी थाउजेंड जिससे मैंने सॉल्व किया है तो मुझे पता है आंसर ठीक है अगर अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो मैं इसे सेपरेटली जो है एक वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी इसमें बहुत सारे हैं आज के वीडियो में ठीक है एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 68 ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें है कि परचेजेस 50,000 है सेल्स 90,000 थाउजेंड ठीक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ आपको 7, है आपको 7,000 थाउजेंड मैनुफेक्चरिंग एक्सपेंसिज हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एट इज रुपीज थ्री एट थ्री परसेंट ऑन कॉस्ट ठीक है तो आपसे ओपनिंग स्टॉक पूछा है सिंपल है स्टूडेंट्स फॉर्मूला में आपको जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है और आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ये तो आप बहुत ही आसानी से आई होप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इन केस नहीं आता आंसर तो मुझे जरूर आप जो है यू मस्ट रीच आउट टू मी नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर इसमें अ पर्टिकुलर फर्म प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा फॉर अ ईयर ठीक है तो एक पर्टिकुलर फर्म का ये डाटा है ठीक है करेंट रेशियो इन्होंने बताया टू पॉइंट फाइव टू वन लिक्विडिटी रेशियो इनका है वन पॉइंट फाइव टू वन नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ रुपीज थ्री लाख वट आर दी करेंट एसेट्स एंड करेंट करेंट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म रिस्पेक्टिवली सो अगेन स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है लगातार तीन क्वेश्चन आपके लिए आज होमवर्क होगा লগাই okay. कोई नहीं थोड़ा ज़्यादा पढ़िए ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए क्योंकि देखिए आपके जो एग्ज़ाम है उसमें अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो करंट जितने भी ये एक्चुअली अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं अकाउंटिंग रेशियोज से बड़े सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स एंड सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी वहाँ पर हैं और बहुत सारे जो है क्वेश्चन मैंने हमेशा देखे एटलीस्ट टू थ्री क्वेश्चन तो हर एक ईयर में है ही ठीक है तो आपके लिए ये जो है कवर अप करना बहुत ज़रूरी है इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा इनकेस ये आपसे अगर नहीं सॉल्व होता है तो मुझे बताइएगा ठीक है ईजी सा क्वेश्चन है अगर आप जो है रिलेट करेंगे इन दो सारी इंफॉर्मेशन को तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे करेंट रेशियो लिक्विड रेशियो दोनों ही दिया हुआ है ईजी सा क्वेश्चन है अ प्रोसेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो so, डेप्रिसिएशन किस चीज़ का बेसिकली प्रोसेस है आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे ए सज वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बी सी इज अशन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट सी से इज अलोकेशन ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट डी से इज एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द बैलेंस शीट डेट सो स्टूडेंट्स ए और डी तो हम सीधे सीधे पढ़ते थे के साथ ही एलिमिनेट कर सकते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन तो नहीं है तो हम इन्हें एलिमिनेट कर लेंगे फिर से पढ़ने के लिए अगर आप ध्यान से पढ़े तो एलोकेशन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ओवर दी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसे क्या होता है डेप्रीसिएशन ठीक तो है यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है इसे मार्क कर लीजिए ठीक है डेप्रिसिएशन की बेसिकली आपसे सिर्फ बेसिक सी डेफिनेशन ही पूछा था स्टूडेंट्स यहाँ पे सी और बी जो है काफ़ी जो है एक जैसे हैं लेकिन स्टूडेंट्स जो एक्विजिशन वाला आ, पार्ट है ना इससे ही पढ़ते आप समझ जाएंगे कि ये डेप्रिसिएशन की ये जो है अप्रोप्रिएट ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है ठीक है सी इतनी सही नहीं है ठीक है एलोकेशन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट ये जो है डेप्रिसिएशन की एक्चुअल डेफिनेशन है मार्क कर लीजिएगा इस नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन ऑडिटर शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश अंडर द सेक्शन फाइव थर्टी नाइन फॉर फॉल्सिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो so, स्टूडेंट्स अगर किसी ऑडिटर ने कोई फॉल्सिफिकेशन किया है रिगार्डिंग दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर उसने कुछ फॉल्स जो है एंट्रीज किए हैं या फिर फॉल्सफुली उसे ऑडिट किया है ठीक है तो उसको किस तरह की पनिशमेंट मिलती है कितने ईयर्स की इम्प्रजनमेंट होती है मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंप्रजनमेंट पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ए से थ्री ईयर्स बी फाइव ईयर्स सी सेवन ईयर्स या डी नाइन ईयर्स स्टूडेंट्स मैक्सिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट जो इंप्रेजनमेंट की तरह मिल सकती है वो होती है सेवन ईयर्स ठीक है ये मैक्सिमम पीरियड है सेवन ईयर्स विल बी करेक्ट इसके लिए भी सारी चीज़ें जो है एक्ट में मैंशन है यहाँ पे सेक्शन 539 भी देखिए इसीलिए मैंशन है 539 में ये चीज़ प्रोवाइडेड है दैट इफ़ एन ऑडिटर हैज बीन

फ्रेम आउट किए थे कि दोनों ही एम कॉम एस पेरेंट्स एंड बीकॉमर के लिए यूज़फुल होगा बट क्वेश्चन को जो बीकॉम एस पेरेंट्स ना करें ये ऑडिटिंग से रिलेटेड है ऑडिटिंग आपको जो है बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई भी जाएगी फ्यूचर में जब आप पढ़ेंगे तो फिलहाल इसको मैं बता ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर ये क, uh, से जो है इस चीज़ को जो है लंदन एंड जनरल डिसीजन है ये तो ये बी uh, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका लंदन एंड जनरल बैंक 1895 ठीक है नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 73 इसमें पूछा था सेक्शन 80 ए ऑफ द कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड विद द रिडम्पशन ऑफ सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको कंपनीज एक्ट uh, से रिलेटेड सेक्शन 80 ए में क्या चीज़ है क्या मैंशन uh, है उसका uh, पर्टिकुलर सेक्शन में ठीक so, है रिडम्पशन ऑफ व्हाट ठीक है तो ए सेज डिबेंचर्स बी सेज रिडिमेबल प्रेफरेंस शेयर्स सी सेज इररिडिमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डी नन ऑफ दी अब सो स्टूडेंट्स 80 ए में मेंशन है इररिडिमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन से रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन है वहां पे ये आपका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है इसे मार्क कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर इसमें पूछा है दैट कंपनी ऑडिटर्ज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो स्टूडेंट्स जो कंपनी ऑडिटर होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल टू होम ये पूछा जा रहा है आपसे वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ए से इज फॉर डायरेक्टर्स बी से इज फॉर शेयर होल्डर्स सी फॉर पब्लिक या डी फॉर क्रेडिटर्स तो स्टूडेंट्स फॉर शेयर होल्डर्स ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ठीक है उनकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है शेयर होल्डर्स के लिए ठीक है तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है इसे मार्क कर लीजिए एंड नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव डैट इन बैलेंस शीट ऑडिट अकाउंट्स आर ऑडिटेड ठीक है तो बैलेंस शीट में जो ऑडिट अकाउंट्स हैं दीज आर ऑडिटेड वेन ठीक है आपसे ये पूछ रहे हैं कि पीरियड बताना है बेसिकली आपको यहाँ पे ए से इज मंथली बी सेज बाय मंथली यानी दो महीने पे ठीक है सी सेज एनअली और हाफ ईयरली डी सेज क्वार्टरली सो स्टूडेंट ये एनुअली होता है या फिर हाफ ईयरली होता है जैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है उसी के अकॉर्डिंग ठीक है तो एनअली और हाफ ईयरली आपका करेक्ट होगा ठीक है बैलेंस शीट हम एनुअली प्रिपेयर करते हैं तो ये ऑडिट अकाउंट्स जो है ये ऑडिट भी एनुअली होते हैं या फिर हाफ ईयरली भी वैसे कंडक्ट करवाया जा सकता है नेक्स्ट वी आप क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर partner in the profit is the is इज टू फाइव एंड हिज कैपिटल इज़ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ थ्री इज to one is to one uh, the, the share of partner in the total capital will be so स्टूडेंट्स आपको ये जो है अगेन uh, homework है ठीक है आपके लिए जितने भी numericals हैं अगर आपसे नहीं देखे solve होते हैं तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा जरूर ठीक है मैं आपको solution भी provide कर दूँगी but इसका answer मैं आपको बता दूँ a option correct है यहाँ पे sixty thousand is to twenty thousand is to twenty thousand ठीक है ये correct option है Uh, next, we have question number 77. इसमें पूछा है दैट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द लॉस ऑफ द बिजनेस विल बी कम्पनसेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ठीक है तो जो डिजोल्यूशन का केस होता है कंपनी को जब डिसॉल्व किया जाता है लिक्विडेट किया जाता है ठीक है जो लॉस ऑफ बिजनेस होता है इट विल बी कम्पनसेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम व्हाट ठीक है किस चीज में से उस लॉस को कम्पनसेट किया जाता है कैपिटल में से लिया जाता है या प्रॉफिट में से या पर्सनल रिसोर्सेज ऑफ द पार्टनर्स से या डोनेशन से सो so, स्टूडेंट्स ये जो कम्पनसेशन होती है इस तरह के किसी भी बिजनेस लॉस की ये जो प्रॉफिट्स से की जाती है स्टूडेंट्स जो प्रॉफिट्स होते हैं उनसे जो है इस तरह के लॉस को जो बिजनेस लॉस होता है उसे कंपनसेट किया जाता है तो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट है इसे मार्क कर लीजिए एंड नैक्स्ट ये आप क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट द मीनिंग ऑफ रिटन डाउन वैल्यू इज सो स्टूडेंट जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है इसकी मीनिंग आपसे पूछ रहा है ठीक है कि रिटर्न डाउन वैल्यू की बेसिकली आपको सिर्फ मीनिंग यहाँ पे बतानी है तो ए सेज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बी सेज बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन सी सेज बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन या डी नन ऑफ दी अबव बड़ा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स रिटन डाउन वैल्यू हमेशा बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन होती है ठीक है तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है ऐसे मार्क कर लीजिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 79 इसमें पूछ रहा है कि गिवन इज डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज रुपीज़ टू थाउजेंड पर एन एम इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज दिए हुए हैं आपको 5000 थाउजेंड स्क्रैप वैल्यू दी हुई है स्पैन ऑफ लाइफ 10 ईयर है सिंपली uh, आपको जो है फॉर्मूला में पुट uh, करनी है सारी जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है आंसर आ जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ एसेट बतानी है यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्वेंटी आंसर जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है अगर ये भी आ, अगेन आल से कि नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर ठीक है नेक्स्ट वी आप क्वेश्चन नंबर एटी अगेन सेम जैसा ही क्वेश्चन है पहले वाले जैसा ही इसमें कॉस्ट दी हुई है आपको स्क्रैप वैल्यू है स्पैन ऑफ़ लाइफ है एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड ठीक है मैथड हमेशा स्टूडेंट्स सॉल्व करते वक्त जरूर से ध्यान रखा कीजिए ये जरूरी है ठीक है अगर आप मेथड uh, मिस कर जाएंगे तो शायद आपका आंसर उतना अप्रोप्रिएट ना आ पाए तो इसको हमेशा मेथड को जो है ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया कीजिए यहाँ पे कॉस्ट गिवन है स्क्रैप वैल्यू गिवन है स्पैन ऑफ ईयर्स uh, गिवन है ठीक है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है इन सभी चीज़ों को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर बताना है यहाँ पे आपको 18,000 ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है यहाँ पे सो so, इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा अगर नहीं सॉल्व होता है तो मुझे बताइएगा जरूर एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स आई होप दी क्वेश्चन वर क्लियर टू यू एंड स्टूडेंट्स एज आई अपलोड वीडियोज डेली एंड देर आर मेनी मोर वीडियोज़ टू कम सो सब्सक्राइब ना इफ यू हैवन सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ कन्वे डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स और थ्रू ई मेल यू कैन फाइंड माई मेल आई डी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टेट यून टू माई चैनल और अगर आपको बी एच यू बी काम एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो मैंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स आई विल इंक्लूड दम एज वेल एंड स्टे होम स्टे सेफ प्लीज लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फेट टू हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स